हाय फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से इसका मतलब हिंदी में होगा, हिंदी में ही साम्राज्य ये साम्राज्य मतलब सबसे बड़ा मुस्लिम देश। इंडिया में बहुत ज़्यादा मुस्लिम है। पहले वीडियो देख लेंगे। क्या आप जानते हैं कि तुर्की की खिलाफत उस्मानिया मानव इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत थी? इस सल्तनत ने 600 साल तक पूरी दुनिया पर राज किया। खिलाफत उस्मानिया की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर उस्मानी मुसलमानों के कब्जे में था। 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया की आधी दौलत तुर्की के मुसलमानों के पास थी। जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जे लेते थे। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। खिलाफत उस्मानिया की स्थापना तुर्क सरदार उस्मान ने की थी। ये काई कबीले के मशहूर शासक अर्तुगरुल गाजी का बेटा था। खिलाफत उस्मानिया ने मात्र 100 साल के अंदर ही आधी दुनिया को जीत लिया था। मिस्र से लेकर फिलिस्तीन, जॉर्डन, यहाँ तक कि इटली, मलेशिया और फ्रांस के अधिकांश हिस्से खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। उस्मानी सुल्तान सलीम ने उन्हें भारत में अपने नाम का सिक्का चलाने की इजाज़त दी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का अपना खुद का बैंक था। 1863 में तुर्की हुकूमत ने इंपीरियल उस्मान बैंक की स्थापना की थी, जिसका मकसद देश के गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करना था। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस सल्तनत में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों से अधिक थी। मानव इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे अधिक वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि स्टीम पावर और स्टीम टरबाइन की खोज तुर्की के वैज्ञानिक तकीउद्दीन ने की थी। दुनिया का पहला सर्जिकल एटलस उस्मानी वैज्ञानिक सरफुद्दीन ने बनाया था। सरफुद्दीन ने ही बच्चों में होने वाली हाइड्रोसिफिलिस बीमारी का इलाज खोजा था। इस महान वैज्ञानिक ने हाथों की सर्जरी के बाद लकड़ी की पट्टियों को बांधने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान जिस चिमटी, स्कैल्पल और कैथेटर को दुनिया भर के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसकी खोज उस्मानियों ने ही की थी। चाय की खोज करने वाला खालिद भी एक तुर्क मुसलमान था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी आबादी उस्मानी साम्राज्य में रहती थी। दुनिया के सबसे बड़े स्कूल और कॉलेज खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। ये दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत थी, जिसकी हर मस्जिद और मदरसे में लाइब्रेरी की सुविधा मौजूद थी। तुर्की के मुस्लिम शासकों ने अल अखियान नाम के एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य काम मुसलमानों की आर्थिक मदद करना था। अल अखियान अमीर लोगों की जमात थी, जिन्होंने अपनी सारी दौलत मुसलमानों और इस्लाम के लिए दान कर रखी थी। इतिहासकारों की माने तो खिलाफत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद प्रथम ने ही दुनिया की पहली जानिसारी फौज की स्थापना की थी। ये सुल्तान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो आसपास की चीज़ों पर नज़र रखते थे। यहीं से दुनिया में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा शुरू हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खिलाफत उस्मानिया ने 500 से अधिक जंगें लड़ी, जिसमें ज़्यादातर में उसे फतह हासिल हुई। तुर्क मुसलमानों में ऐसा जज्बा था कि सुल्तान मोहम्मद फाते ने बाइजेंटियम एम्पायर के सबसे मशहूर शहर कुस्तुनतुनिया को मात्र 21 साल की उम्र में फतह कर लिया। उस्मानी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। बारूद से चलने वाले हथियारों की खोज तुर्की के मुसलमानों ने की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि समुद्री जहाज़ों पर तोपों का सबसे पहले इस्तेमाल उस्मानियों ने ही किया था। बाबर जिन तोपों को भारत लेकर आया, उसे बनाने वाले तुर्की के मुसलमान थे। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का भारत से बड़ा गहरा संबंध था। मुगल दरबार में बड़ी तादाद में तुर्की के आलिम और वैज्ञानिक मौजूद थे। 19वीं सदी तक तुर्की के सैन्य बेड़े हिंद महासागर की सुरक्षा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ईसाई और यहूदी देशों ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए, तो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जान की बाजी लगा दी। 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में देश के हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया। खिलाफत के अंत के बाद तुर्की के मुसलमानों की सबसे ज्यादा मदद हिंदुस्तानी मुसलमानों ने की। तुर्की आज अगर इतना ताकतवर है, तो इसका असल कारण भारत के मुसलमान है। भारत के मुसलमान आज भी तुर्की में इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा वीडियो था यार। इसमें कितने सारे फैक्ट्स बताए इन्होंने कि हर एक फैक्ट्स हमें जिंदगी भर याद रहेगा।
ये मतलब आजकल भी यूज करते हैं उनके। और सबसे बड़ा साम्राज्य मेरे ख्याल से वही था ना उस्मानिया सल्तनत का। हाँ, वो तो बहुत बड़ा। और सबसे पुरानी बैंक वही है तुर्की में, जो मेरे ख्याल से इम्पीरियल बैंक ऑफ तुर्की था। और वो बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन फिर बाद में उसका मतलब बहुत ज्यादा बाकी के देशों ने नहीं, बुरे दिन कब क्यों आए, बाकी के देशों ने मिलके उनको तोड़ा, यहूदियों ने तोड़ा, उन्होंने स्पेसिफिकली यही कहा यहूदियों ने तोड़ा। अब तुर्की के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2023 में खत्म होने वाला है। 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने देश में ऑयल नहीं निकाल सकती थी तुर्की, जो 2023 में से निकाल सकती है 2023 से। वो उस्मानिया सल्तनत के मतलब जब वो उस्मानिया सल्तनत थी उसी वक्त हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो अब ये पूरा होने वाला है और इस पर भी हमने वीडियो किया था। और तब उस्मानिया सल्तनत रूस, चीन, जापान जैसे देशों को कर्ज देती थी, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी पावर क्या थी। और फिर भी अब तो वो पावर अब तो और बढ़ गई है, नहीं और बढ़ गई है, बढ़ गई नहीं है, लेकिन तुर्की को वो सब अधिकार मिलेंगे तो जो उस्मानिया सल्तनत के छीने गए थे, वो सभी मिलेंगे अब 2023 में, वो आजाद हो जाएगा। इसीलिए इस अर्तुगरुल सीरियल से बहुत ज्यादा डरते हैं सभी, ऐसा लिखा था। और ये भी मैंने सुना था कि जब उस्मानिया सल्तनत को कुछ बुरा वक्त चल रहा था तो हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की थी, इसीलिए हिंदुस्तान के मुस्लिमों से और हिंदुओं से भी तुर्की को मतलब बहुत ज्यादा प्यार है, रिस्पेक्ट करते हैं वो, ऐसा भी वीडियो में। पर मुझे लगता है कि तुर्की जो है बार बार पाकिस्तान की साइड लेता है। नहीं, वो पाकिस्तान का मतलब हुआ तो वो डायरेक्टली बोले थे यूनाइटेड नेशंस में। हाँ, कि मैं हम पाकिस्तान के साइड में हैं। नहीं, साइड तो किसी के भी हो, लेकिन वो कभी नहीं भूलते हैं। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर मुझे फिक्र नहीं है क्योंकि मैं रिएक्शन रियल देता हूँ। का हुआ और फिर भी वो मानते हैं मतलब हिंदुओं को, जब उनने साथ दी थी हिंदुस्तान ने, तो इसीलिए वो अभी भी मतलब याद रखते हैं। ये भी साथ दे या ना दे, लेकिन याद रखना भी बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने मदद की थी। और ये वीडियो भी हमने किया है एक जिसमें इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए मुझे ये बोलना नहीं था कि तुर्की पाकिस्तान का साथ देती है, फिर भी मैंने बोल दिया क्योंकि मुझे बाद में बहुत बुरा लगता कि मैंने बोला नहीं। और मेरे ख्याल से क्या है, अब तो मतलब कोई भी देश, सबको पता है कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। हाँ, और आजकल तो यही हो रहा है, जिसका जहाँ फायदा हो वहाँ वो साथ देते हैं। हाँ, जैसे अमेरिका हमारे चीन के अगेंस्ट इंडिया का भी साथ दे है। अमेरिका किसी को नहीं साथ देता है, वो सिर्फ अपने हित की फायदे को सोचता है, जिसको उसका जिसमें ज्यादा फायदा वो उसको साथ देगा, तो सिर्फ ऐसे ही लटके रहते हैं देश बाकी के। अमेरिका अपना फायदा कर लेता है, किसी का भी साथ। चाइना का अच्छा है यार, चाइना और रशिया का, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा बुरा देश है, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं, लोगों ने बुरा कर दिया, पर वो टेक्नोलॉजी में लोग वहाँ के अच्छे होंगे, लेकिन ये जो उनकी टेक्नोलॉजी है उनके। और एक और बात है चाइना की बहुत अच्छी, कि अच्छी है या बुरी मुझे मालूम नहीं, फिर मुझे अच्छी लगती है कि वो कोई धर्म नहीं मानते है, न्यूट्रल है, वहाँ के लोग न्यूट्रल है, किसी भगवान को नहीं मानते हैं, इसीलिए वो ज्यादा मतलब खतरे में कभी कभी आ जाते हैं। हाँ, न्यूट्रल है, किसी भगवान को नहीं मानते। और ये अच्छी बात नहीं है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि भगवान होते हैं, अल्लाह है, और हमें मानना चाहिए क्योंकि वो किसी भी भगवान को नहीं मानते। मुझे पहले लगता था कि वो जो बुद्धा है उनको मानते है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ के सिर्फ 30% लोग या 13% लोग सिर्फ बुद्धा को मानते हैं, बाकी सब न्यूट्रल है, सभी, लेकिन धर्म न्यूट्रल है, न्यूट्रल। हाँ, मुझे बहुत ही अजीब लगता है, फिर भी कितने खुश है, लगती है कि वो किसी मतलब भगवान को नहीं मानते, नहीं फिर भी कितने खुश है वो, कुछ भी नहीं उनको प्रॉब्लम है वो, और अभी तो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते, बहुत खुश है, मुझे लगता है बहुत खुश है, नहीं लगता, उनको सारी चीजें मिलती है। मैं आपने इंटरव्यू सुना होगा, चाइना के लोग जो बता रहे थे कि हमें कोई भी मतलब ऐप भी डाउनलोड करो तो वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ना, वो बाकी नहीं, का लेकिन तो इतना कंट्रोल वो करती है, और दूसरे देश का नाम भी नहीं ले सकते उसमें, तो क्या चाइना मतलब का खुद का अलग ही मैप है, खुद का गूगल मैप भी अलग है चाइना का, तो वो क्या खुश हुए ना, हम खुश तो हम लोग है जो अपनी मर्जी से बोल भी सकते है, मोबाइल भी जो देखना चाहते है वो देख सकते है, वो तो लोग ऐसे देखते है जो
मतलब गवर्नमेंट जो दिखाना चाहेगा वो लोग देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा की खुशी हुई है, तो अगर हम ऐसा रिएक्शन चाइना के, अगर यूट्यूब तो नहीं है वहाँ पे, यूकू है, हाँ। अगर वहाँ पे ऐसा अपलोड होता वीडियो तो 2-3 घंटे में ही वो रिमूव हो जाता, हाँ। क्योंकि चाइना को उसके खिलाफ बोलने वाला कोई भी आवाज पसंद, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह को मानते हैं। अगर आप यूट्यूब में जाके भगवान को भी किसी भी कमेंट में आप अगर कम्युनिस्ट बैंडिट ऐसा अगर लिखेंगे कमेंट में, आप ट्राई कर सकते हैं कमेंट में, वो 2-3 सेकेंड में ही रिमूव हो जाता है अपने आप कमेंट। आप सोच सकते हैं कि कितना यूट्यूब पे भी प्रभाव है चाइना का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म के मतलब भगवान को मानते हैं, दिल से पूजा करते हैं उनकी, दिल से मानते हैं, दिल से अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म के हो जो इस हजरत ईसा को मानते हैं, तो जो भी हाँ। मानते हैं वो खुश है और वो उन्हें अपनी आज़ादी मिल गई है जिससे हाँ, हमें मिल क्योंकि हर आदमी अपने अपने भगवान से खुश होता है कुछ कुछ चीज़ों से। तो चाइना का ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो किसी को मानते भी नहीं और सिर्फ अपने गवर्नमेंट को मानते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, तो कोई खुशी की बात मुझे लगता नहीं। है हमारा ऐसा रिएक्शन देख के अगर कोई पाकिस्तान में देखेगा चाइना को, चाइना में देखेगा पता भी नहीं चलेगा हम क्या बोल रहे हैं उनको, हाँ। नहीं पाकिस्तान में देखेगा तो मुझे लगेगा हम उनकी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि दोस्ती तोड़ना मतलब हम दोनों तोड़ेंगे ना, मतलब हमें तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन सिर्फ हमने अपनी ओपिनियन दी आपको, हाँ। वीडियो कैसा और हम आपका नजरिया चेंज भी नहीं करना चाहते, हाँ। और क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई बोलता है कि भगवान को नहीं मानना अच्छी बात है, तो इसीलिए मैंने ऐसा कहा, तो चाइना को बुरा बुरा कहा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।